इस विषय में मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से अवैध है। हरदीप सोढ़ी जी, आप बताएं कि आपका अनुभव क्या है इस बारे में। इसमें दो तीन मुद्दे हैं जो हमें स्पष्ट होने चाहिए। पहली बात तो ये है, जैसा कि आज रितु जी ने भी बोला, जब इमरजेंसी है मरीज के पास चारा क्या है, तो वो साइन नहीं करेगा, वो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। तो पहला तो ये होना चाहिए कि जो भी आपके रिस्क वगैरह है, क्या आपको वो हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले बताए गए कि नहीं बताए गए। जब आपके पास समय था डिसाइड करने का, जो भी ऑपरेशन है, जो भी प्रोसीजर है, मैंने करवाना भी है कि नहीं करवाना है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अभी आपके पास इमरजेंसी नहीं है, हॉस्पिटल कहता है कि ये ऑपरेशन करवा लो, वो आपको कहता है साहब कोई रिस्क नहीं है इसमें, आप चिंता मत करें, आप इसको करवा लेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं जी इसमें तो बहुत रिस्क है, आप झिझकेंगे। अमूमन ज़्यादातर ये देखा गया है कि डॉक्टर वगैरह रिस्क को अंडरप्ले करते हैं। एडमिट हो गया, उनके कंट्रोल में चला गया, अब उसके सामने जाके ब्लैंक फॉर्म या जैसा भी फॉर्म जाके रख दिया, ऑपरेशन 2 घंटे में होना है। अब वो इस स्थिति में मरीज क्या करेगा? अगर वो पढ़ा लिखा भी होगा, मान लीजिए बाद में स्थिति में, वैसे तो जब वो कंसेंट फॉर्म जो नॉर्मल होता है उसमें लिखा होता है कि ये ऑपरेशन प्लस इसके अलावा जो दूसरी प्रोसीजर्स हैं वो भी उनको ऑथराइज किया जाता है। लेकिन एक तो ये है कि चारा क्या है? अगर मरीज को पहले बताया जाता है कि बहुत रिस्की है, या अगर डॉक्टर सेंसिटाइज हो जाता है, वो कहता बहुत रिस्की है, मरीज ऑपरेशन नहीं कराएगा, मान लीजिए वो किसी दूसरे वहां से निकला, वो दूसरे हॉस्पिटल के पास पहुंचा, दूसरे हॉस्पिटल वालों ने उसको ज़्यादा फैला लिया कि नहीं साहब हम तो हमारे पास तो मध्यम चांसेस हैं, जो पहला हॉस्पिटल था उसने कस्टमर खो दिया। तो अमूमन ये है कि पहली बात तो रिस्क दबाए जाते हैं, दूसरा ब्लैंक कंसेंट फॉर्म का स्पेसिफिक जो आपने जिक्र किया है, इसके ऊपर कोर्ट की भी डिसीजंस हैं, प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर भी कोर्ट की डिसीजंस हैं कि ये सारे चीज़ें जो हैं दे आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और कई बार एक ऐसा भी हुआ है, ब्लैंक कंसेंट फॉर्म आपसे बनवा लिया गया, उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, बाद में जब सिचुएशन खराब हो गई उसमें जो चाहे भर दिया गया और बोला गया कि देखिए हमने तो सब कुछ पहले से बता दिया था, जो कि मेरे साथ हुआ। एक चीज मैं सोढ़ी जी बीच में रुकना चाहूंगा आपको, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो ब्लैंक कंसेंट फॉर्म ये लोग साइन कराते हैं उसकी कॉपी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको कभी मिली है किसी लिटिगेंट को, कि हॉस्पिटल ने कहा कि जी हमने आपसे ये ब्लैंक कंसेंट फॉर्म, जो है हम लोग तो कह रहे हैं और यही होता है, और वो कहते हैं कि हमने काउंसलिंग करके बता के साइन कराया, क्या कभी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को किसी भी लिटिगेंट को उन्होंने उस कंसेंट फॉर्म की कॉपी दी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ये बताने के लिए कि इस टाइम इस पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस डॉक्टर की ओपिनियन क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में जब वो हॉस्पिटल में आया है और जब वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब उसकी कभी सिचुएशन खराब होने लगती है, क्या डॉक्टर्स ने कभी आपको ये बात बोला कि आप दूसरी जगह चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और से ओपिनियन ले सकते हैं, हमारी रिपोर्ट ये है? क्या डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अब इसका इलाज का खर्चा इतना है, क्योंकि कुछ लोगों का इंश्योरेंस के अंदर होता है, कुछ लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता, और हर एक आदमी घर के अंदर, जैसे कि हमारी सरकार की पॉलिसी की घर में कैश ना रखो, डिजिटल करेंसी का यूज़ करो, और ये अपने बिल के अंदर नीचे लिख भी देते हैं क्लॉज इनकम टैक्स के भी। तो जब आदमी के पास कितना ट्रीटमेंट का खर्चा होना है, 5 लाख 2 लाख 10 लाख सडनली, उसके लिए कोई ये लिखित इन्फॉर्मेशन देते हैं या सब वर्बली चलता ही है, क्या लगता है आपको? ऐसा अनुभव नहीं है, जो प्लान सर्जरीज होती है ना उसमें ये पैकेज देते हैं जी। जैसे हमारी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी तो उसमें इन्होंने पैकेज दिया था, भाई इस पैकेज में ये इंक्लूड है, इतने दिन का स्टे, इतनी मेडिसिन, फलाना टिकाना। रिटर्न दिया था आपको? रिटर्न दिया था वर्बल? मेरा सब्जेक्ट ये है कि ये आपको वर्बल बताते हैं कि रिटर्न देते हैं, और कितने टाइम पहले देते हैं? सर वर्बल ही था पर उतने में ही इन्होंने कर दिया था, और क्योंकि अगर इससे ज्यादा प्रोलो स्टे 1 दिन या 2 दिन का ज्यादा होगा तो आपको इतने चार्जेस लग जाएंगे। और इसके अलावा एक बार मैंने देखा था, वो काउंसलर उसको समझा रही थी, कोई डिलीवरी का केस था कि अगर रात को आपने ओटी खुलवाया तो आपके इतने चार्जेस लग जाएंगे, इस तरह की बातें भी करते हैं। दूसरी बात ये, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाने के बावजूद भी मेरे को जो 3-4 साल के बाद मेरे कंसेंट फॉर्म मिले थे उसमें एक पे लिखा हुआ था डेथ ऑन टेबल, वो बाद में सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ था। और एक और चीज ये करते हैं कि एक साइड ये भी कहते रहेंगे, कहोगे जैसे मेरा केस था, मेरे पैसे खत्म हो गए, मैंने कि मेरे को ये सही से कंसेंट लेना है, मेरे को ये सही से पेशेंट को रेफर कराना है,
तो ये अलाउ नहीं करते थे कि आप एम्बुलेंस में लेके चले जाओ। ये सही ओखला वाले बोले हम एम्बुलेंस में ही पेशेंट को देख के आपको कंसेंट दे देंगे, तो आप यहाँ तक ले आओ। तब एक तरफ ये अलाउ भी नहीं करेंगे कि पेशेंट को आप दूसरी तरफ लेके जाओ, आपको इतना डरा देंगे, दूसरी तरफ ही आपको हर तीसरे दिन पर्चे भी पकड़ाते रहेंगे कि वी आर गिविंग यू ऑप्शन फॉर सेकेंड ओपिनियन, यू कैन टेक योर पेशेंट एनी वे। देखिए मैं मित्रों ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर का 40 शालीमार बाग में इलाज हुआ, 3 लाख रुपए का बिल लिया इन्होंने 48 घंटे का, और उस टाइम मैंने जो अनुभव किया वहाँ पे, जो कुछ भी हुआ मेरे ब्रदर की, इन्होंने डेथ सेम डे कर दी थी। मेरा ब्रदर हॉस्पिटल पहुँचा है, एक छोटी सी उसको वॉमिट हुई थी, उसके बाद इन्होंने हमारे को बोला कि नॉर्मल था और सुबह इनको उसको डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन उसकी वजह इन्होंने अपनी एक लापरवाही से एंडोस्कोपी करी, जिसके ऊपर हमारा जो कंसेंट फॉर्म था सब ब्लैंक लिए गए, और इवन मेरा, मैं ब्रदर हूँ, मेरा 9:11 को उन्होंने 12:08 के ऊपर कंसेंट लिया, और फिर बाद में इन्होंने शो किया कि मेरे ब्रदर को, जिसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, 11:50 उसको फर्स्ट अटैक आया, 12:30 सेकेंड अटैक आया, और तीसरा अटैक 1:40 आया, 2 बजे उन्होंने डेथ डिक्लेयर की, 2:30 बजे हमें इन्फॉर्म किया, जबकि मेरे पास कंप्लीट एविडेंस है कि हमने 80 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था उससे कई घंटे पहले कि डॉक्टरों ने मुझे बता दिया कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। ये केस हमारा चल रहा है 208 नंबर रोहनी कोर्ट में, रितिका कंसल के। मैं पूरी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। 12692 मेरा केस का टाइटल है, 12692/21। अब इसके अंदर मैंने पुलिस के अंदर शालीमार बाग के SHO को, DCP को, ज्वाइंट CP को, दिल्ली मेडिकल काउंसिल को, इन सबको पार्टी बनाया है, और शुरुआत में मैंने सबसे पहले पक्ष रखा है कि इनसे ये बात पूछी जाए कि ब्लैंक कंसेंट फॉर्म करवाना लीगल है या इलीगल है, तो इसका ये जवाब नहीं दे रहे। अब हमने कोर्ट के थ्रू इनका डायरेक्शन कराई है कि हेल्थ सेक्टर से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर ये इलीगल है तो ये कैसे चलता आ रहा है, और इसके लिए क्या आज तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने, हेल्थ सेक्रेटरी ने आज तक क्या कदम लिए, इनके लाइसेंस क्यों नहीं रद्द हुए, ये मेरा सब्जेक्ट है आज का साथियों। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये बात सही लगे तो मैं अभी आपके ईमेल आईडी के ऊपर अपना एक आज का वो भेजूंगा कंक्लूजन ब्लैंक कंसेंट फॉर्म को लेके, और जल्दी PIL हम जल्दी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कमिंग 3 to 6 months के अंदर PIL हम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों के मैंने सिग्नेचर ले लिए हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ये बात मानी है कि उनसे इन्होंने ब्लैंक कंसेंट फॉर्म साइन कराया, जो कि पूरी तरह से अवैध है। ये एक तरह से पहला हमारा स्टेप है कि जहाँ से शुरुआत हो कि एटलीस्ट मेडिकल काउंसिल और सरकार कोर्ट के अंदर ये अपना ये पक्ष रखेगी कि ब्लैंक कंसेंट फॉर्म करवाना लीगल है इलीगल है, और अगर इलीगल है तो अब तक लाखों लोगों के साथ ये हो चुका है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है, मैं रोज सोशल मीडिया पर देखता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री देते हैं, क्योंकि वो लोग 5 किलो राशन कमाने में, इसको अरेंज करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली की सरकार कहती है कि हम 5 किलो राशन देते हैं, तो इससे पता चलता है इस देश की इलिटरेशन रेशियो क्या है, और अगर जो इलिटरेट आदमी अगर यहाँ खड़ा हुआ है, अगर वो हॉस्पिटल पहुँचता है, तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि ये इतने बड़े बड़े जो फॉर्म ब्लैंक साइन करवाते हैं, जो पूरा कंप्लीट इंग्लिश में लिखा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है आम इस देश की कम से कम 100 करोड़ जनता के लिए, तो मेरे हिसाब से तो किसी के लिए पॉसिबल है। तो इस अवैध काम के लिए हम पहली शुरुआत ब्लैंक कंसेंट फॉर्म से करना चाहते हैं, आगे 300 इश्यूज हो रहे जो साथ ही जुड़ते रहेंगे। हाँ बताइए ऋतु वर्मा जी। मैं सर ये कहना चाह रही थी कि बार बार ये अपने ग्रुप में बात होती है, NGO बनाने की, एक वेबसाइट बनाने की बार बार रह जाती है। मैं इस बात को पक्की तरह से समझती भी हूँ, क्योंकि मैं ही सोल ब्रेड विनर हूँ कि मेरे को अपनी लाइफ भी चलानी है, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, और किसी एक को तो एक्स्ट्रा बर्डन लेना ही पड़ेगा एक दो लोगों को वेबसाइट रन करने के लिए। मैं एक इंस्टेंस आपको बताना चाहती हूँ। एकम सनातन दल करके एक संदीप दीक्षित जी और कुछ लोगों ने एक मूवमेंट शुरू की थी हिंदू राष्ट्र वाली, तो उन्होंने कल परसों मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो उनका जो लास्ट मैंने देखा था, उन्होंने बोला कि हमने 4 नवंबर को हलाल वाले इशू पे अपने UP वाले इलेक्शन के लिए हमने अपना क्या बोलते हैं ये जो मैनिफेस्टो दिया था कि हम इसको हलाल सर्टिफिकेशन को कम्प्लीटली बैन करेंगे। उन्होंने 4 नवंबर को ये दिया और कल परसों में ये आ भी गया कि योगी जी ने इस पर एक्शन ले लिया। चाहे उन्होंने किसी मीडिया रिपोर्ट इस चीज को लेकर मनाई, कुछ भी किया, पर कभी कुछ नहीं हुआ जब तक एक फोरम ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया कि हम इसको कम्प्लीटली बैन कराएंगे, तब तक कोई भी गवर्नमेंट उनकी आंखें नहीं खुलती। इसलिए मैं अपने ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पेज बनाएं, उस पे पेज पे लोग जुड़ जाएं, पॉडकास्ट हम करें, पॉडकास्ट के थ्रू लोग जुड़ जाएंगे, तब कुछ प्रेशर बनेगा। या किसी के नोन में हो एकम सनातन दल,
जैसे वो इलेक्शन से फ्री होते हैं तब हम अपना एक रिप्रेजेंटेशन उनके पास लेके जाएं कि हमारे को भी इस विषय के ऊपर भी आप हमें सॉल्यूशन दिलवाओ, क्योंकि हम कोई 100-150 लोगों का या 50-100 लोगों का ग्रुप है जो इस चीज़ को लेके अवेयर है, बाकी इतने सारे लोग हैं वो अवेयर नहीं है। आयुष्मान योजना भी मैं जहाँ तक समझती हूँ ये भी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इन हॉस्पिटल वालों को एक्स्ट्रा कमाने का मौका दे दिया है, उससे आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलता, उनको ये इमरजेंसी में एडमिट नहीं करते कि गवर्नमेंट हमें पैसे कम देती है। हाँ, वैसे ये एडमिट कर लेते हैं, झूठ मूठ के एडमिट कर लेते हैं, जब उन्हें सचमुच में इलाज की जरूरत पड़ती है तो नर्सिंग होम वाले उनको एडमिट नहीं करते कि गवर्नमेंट हमें जो हम चार्ज करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा कम देती है। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये आज जो शुरुआत हुई है इसको हम यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, डिफरेंट चैनल्स पर कोशिश करेंगे इसको, और जल्दी जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं उनकी टीम से भी मैं मिलूँगा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी लॉबी जो कि मेरे साथ जुड़ी हुई है मैं उनसे भी प्रयास करूँगा, और हमारे ग्रुप में सचिन जैन जी भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, एक उज्ज्वल सोनी जी हैं, अशोक जी हैं, मैं इन लोगों से भी मदद लेने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब मिलके आगे बढ़ेंगे। ये एक प्रयास है, शुरुआत हम कम लोगों से हो रही है लेकिन ये शुरुआत भी सफिशिएंट है, अगर हम 5-7-10 लोग भी मिलके इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने अपना परिजन खोया है वो वापसी नहीं आ सकता, ना वो पैसे से वापसी आ सकता ना वो हो सकता, और ये इसलिए है कि ये एक स्ट्रॉन्ग नेग्लिजेंस होती है जिसको हमारे कानून के अंदर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में नेग्लिजेंस वर्ड बोला जाता है। मैं इसके पक्ष में कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये न्यायालय में बात उठी थी तो मैंने बोला था कि पुलिस ने और जज ने मेरे को बोला कि आप ये बात बोलिए कि मर्डर के लिए 302 के लिए मोटिव प्रूव होना चाहिए, तो मैंने बताया कि इन हॉस्पिटल वालों ने जो स्टाफ रखा हुआ है अनएजुकेटेड अनएक्सपीरियंस स्टाफ जो है जिसकी लो क्वालिफिकेशन है, अनुभव कम है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर रखा है, और ये लोग जो हैं उनसे इलाज कराते हैं, जब उनसे नेग्लिजेंस लापरवाही बरती जाती है कि इनके ऊपर नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अपनी कमाई के लिए, सिर्फ कमाई के लिए ये लोग फोकस करते हैं, ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलिटी की तरफ नहीं जाते हैं, इसी वजह से ये नेग्लिजेंस जब हो जाती है तो अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन और अपना करोड़ों अरबों रुपए का जो इनका कारोबार चल रहा है, जो इन्होंने चेन बना दी है हॉस्पिटलों की, इस कारोबार को चलाने के लिए उसकी रेपुटेशन ना खराब होए, लोग इनके यहाँ आना बंद ना कर दें, जैसे आपने आयुष्मान योजना का बताया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, तो उन योजनाओं का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, मेडिकल जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी से टारगेट है, करोड़ों अरबों रुपए का इनका मुनाफा है, साल की इनकी रिटर्न शो करती है, तो इसी चीज को रोकने के लिए ये लोग उस पेशेंट को मार देते हैं और फिर उसके बाद उनके रिकॉर्ड्स के साथ मैनिपुलेशंस करते हैं, जो विक्टिम होता है उसके उसका हिम्मत तोड़ते हैं, और पुलिस एकम्प्लिस होती है हमेशा, डीएमसी स्टेट काउंसिल, क्योंकि ये लोग उनके तालमेल में रहते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपना भी और आप लोगों का भी और भारत के अंदर ये मेडिकल रिफॉर्म्स के अंदर पूरा प्रयास करेंगे कि आगे तक जाएंगे जरूर, चेक कोई भी हद तक हमें जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं पूरी प्रयास करूंगा और वादा करता हूं कि जितने भी इस ग्रुप के अंदर मेंबर हैं, मुझे नहीं पता कि किस वजह से उनके केस की क्या स्टेटस है, मैं इस ग्रुप में रोज कमेंट्स देखता हूं, लेकिन मैं ये पूरी वादा करता हूं आपसे, जिम्मेवारी से वादा करता हूं, आज 19/11/23 का दिन है, पूरी जिम्मेवारी से मेरा वादा है कि मैं सबको इंसाफ दिलवाऊंगा, शुरुआत जरूर करूंगा, इनको कटघरे में कानून के जरूर लेकर आएंगे, उन FIR में इनके नाम दर्ज कराएंगे और इनको सजा दिलवाएंगे, और जिस दिन मैं ये काम करने में कामयाब हो गया उस दिन मैं प्रति लेके इस ग्रुप के सभी मेंबर के पास खुद जाऊंगा ये देने के लिए कि ये प्रयास जो आज हमने मिलकर सफल किया है इसमें कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी लोगों का योगदान है, कुछ लोग इसको देख रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आगे आगे लड़ाई लगे, पीछे खड़े होकर भी अगर वो हमारे को अपना अनुभव दे सकते हैं, हमसे अपनी बात कह सकते हैं, तो वो भी हम सरकार और देश की जनता तक लेके पहुंचेंगे, और अब ये क्रांति के रूप के अंदर मैं जाता हूं कि मेडिकल क्रांति, रिफॉर्म्स क्रांति के तौर में हम कुछ अभी इसके अंदर डिसाइड करेंगे, और आज ये मेरा पहला प्रयास है, जो मैं नेक्स्ट प्रयास में आपसे जुड़ूंगा तो आपके साथ में कुछ एक और ऐसा मुद्दा लेकर आऊंगा जिसके अंदर मानना पड़ेगा कि ये लोग जो है मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं, लापर नियमों को तोड़ते हैं, जो नियम भारत सरकार ने बनाए हैं इस देश की जनता के अधिकार के लिए, विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उन नियमों को ये अपना करोड़ों रुपया कमाने के लिए उसको तोड़ते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। आप हरदीप सोढ़ी जी, आप बोलिए। अजय साहब, मैं मुद्दे की बात पे वापस आता हूँ, आपका अभी जो हमारा मुद्दा ये है ब्लैंक रिकॉर्ड्स का, जी ब्लैंक रिकॉर्ड्स ऑलरेडी आप सर्च करेंगे आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे, जहां तक उसकी इलीगैलिटी है वो एस्टैब्लिश है, जी है, वो आप देख सकते हैं, आपको मिल गई होगी, हाँ जी मिल गई है, कि जो ब्लैंक रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, जी जो भी आप कर रहे हैं आपकी चेष्टा एक तो यह इलीगैलिटी तो आपकी एस्टैब्लिश हो जाएगी,
जो आपकी जो चेष्टा है वो यहाँ पर होनी चाहिए कि जब अगर ब्लैक रिकॉर्ड होता है तो सजा क्या है और कितनी है। हाँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। यहाँ पर आपका हमारा जो है फोकस होना चाहिए, जिसके बारे में मेरे साथ अभी कुछ ऐसा कुछ जिसे कहते हैं कोई उपाय या कोई ऐसा सुझाव नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप कहते हैं 1000 लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, अगर उनके पास एविडेंस है कि उनके साथ ब्लैंक फॉर्म साइन कराए गए और उन ब्लैंक फॉर्म साइन कराने की वजह से क्या हुआ, तो हाँ वो प्रयत्न जो और उसमें मुद्दा बनता है उसके जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है। और उसके आगे अगेन जो भी आप पिटीशन जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसमें लोगों की मदद लेके जो भी ज़्यादा एक्सपर्ट है ज़्यादा अनुभवी है कि अगर ये हो जाता है उसके बाद सजा किसको और कितने में मिलनी चाहिए। अब अगर ये कानून आ जाएगा कि सजा मान लीजिए 10 साल की होगी अगर ब्लैंक फॉर्म प्रूव हो गया तो, तब अपने आप जो मेडिकल कम्युनिटी है या जो भी कम्युनिटी है जब ये इरिवोकेबल एक लॉ आ जाएगा कि अगर ब्लैंक फॉर्म साइन कराया गया तो जिसके भी डॉक्टर के उस ब्लैंक फॉर्म में दस्त कर रहे हैं वो 10 साल जेल जाएगा, तभी देश की स्थिति बदलेगी। उससे पहले मेडिकल काउंसिल उसको 30 दिन के लिए कर देगी, अनफेवरेट प्रैक्टिस में वो चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, थोड़ा सा हर्जाना हो जाएगा, 30 दिन के लिए डॉक्टर का नाम रजिस्टर हट जाएगा, बस यही नेगेजिबल पनिशमेंट जब तक चलती रहेगी तब तक मैं समझता हूँ ये ब्लैंक फॉर्म की स्थिति नहीं बदलेगी। और जैसे जो उसके मुद्दे होंगे वो मैंने पहले भी इंडिकेट किए हैं, मुद्दे फिर ये बनेंगे कि हम कब बताएं कब नहीं बताएं, क्या वो दूसरी बात है, जो बेसिक मुद्दा ये है कि सजा क्या हो। आपने बहुत बढ़िया बात बोली है सोडी साहब, जो बिल्कुल इस आज की मैं समझता हूँ कि जो आज मीटिंग रही है इसका बिल्कुल कंक्लूजिव आपने बहुत आसान और सरल शब्दों में मुझे दिया है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 12:53, मैं 2 बजे से पहले आपकी ये जो बात आज हमारी मीटिंग की है इसको रिकॉर्ड पे लेकर इसकी एक RTI बना के जो साथियों की मेरे पे ईमेल आईडी आ गई है मैं सरकार को फाइल करके 2 से 2:30 बजे तक बिफोर 2:30 बजे तक ये फाइल करके इसकी कॉपी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल रखूँगा, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, यही अनुभव है आपका हमसे ज़्यादा उम्र का भी, तो इस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए मैं यही बात आज रखूँगा जो आपने बात बोली है कि ब्लैंक कंसेंट फॉर्म पे क्या सज़ा है, कितने लोगों को सज़ा मिली है और इसके ऊपर कितने लोगों के हॉस्पिटलों के लाइसेंस रद्द हुए हैं, डॉक्टरों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, स्टाफ को सज़ा दी गई है, ये सब आंकड़ा 10 साल का हम सरकार से मांगेंगे और जल्दी इसके बारे में आगे जो भी इसका रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग को मैं ओवर करना चाहता हूँ, फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मार्गदर्शन किया, आज जो भारत के अंदर 1,43,00,000 जनता है और ऑन रिकॉर्ड 1,31,00,000 जनता है, मेरे को ये समझता हूँ कि कभी जब भविष्य के अंदर मेडिकल रिफॉर्म्स की बात होगी तो ये आज के जो लम्हा जो समय आज आपने अपने देश की कम्युनिटी के लिए निकाला है तो ये यादगार लम्हे रहेंगे। मैं इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ और इस ग्रुप के सभी एडमिट और सदस्यों का भी, क्योंकि उनका भी मार्गदर्शन हमेशा रहा है इस ग्रुप के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आपका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद।